आज हम AS लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका मई जून 2019 का पेपर वन करने जा रहे हैं और पेपर वन के अंदर क्वेश्चन नंबर वन से लेके 10 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको देखना हो तो प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ आपको फोल्डर मिलेगा मई जून 2019, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 कि एक्स एंड वाई जो है ये पार्टनर्स हैं और जो रेशियो है इनकी 2:1 है। 2:1 का मकसद क्या है कि 2:1 ये 3 हो जाता है, इसका मकसद है एक्स का जो शेयर है 2/3 है और वाई का जो शेयर है 1/3 है। जेड विल बी एडमिटेड टू द फॉलोइंग न्यू अरेंजमेंट कि जेड जो है एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होता है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:2 कि अब जो क्योंकि जेड आ गया है एक न्यू पार्टनर है तो अब इनकी रेशियो होगी 2:1:2। 2:1:2 का मकसद है 2:1:2 इज इक्वल टू 1/5। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक्स का शेयर 2/5 होगा, वाई का 1/5 होगा और जेड का 2/5 होगा। गुडविल इज वैल्यूड एट $90,000। गुडविल जो है $90,000 की वैल्यूड हुई है। जेड विल पे द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ द गुडविल के जेड जो है वो एक्चुअली पार्टनर्स को जो भी उसका शेयर बनता है वो पेमेंट करेगा उसकी। हाउ मच विल जेड पे एक्स के जेड जो है उसने एक्स को पेमेंट कितनी करी ये वो आपसे पूछता है। लेकिन इस सवाल के अंदर जब भी आए गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल पार्टनर्स ये जो दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई ये बिजनेस चला रहे थे, इन्होंने बिजनेस को बिल्टअप किया इस पोजीशन तक लेकर आए, तो इसमें इनकी जो एफर्ट्स लगी जो इनका कंट्रीब्यूशन था उसको फिर ये जेड से ये कहते हैं कि यार एक तो टेंजिबल एसेट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं अकाउंटिंग की किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन बाद में जो हमारी एफर्ट्स है जो हम बिज़नेस को यहाँ तक लेकर आए उसकी जो अमाउंट है उसे वो गुडविल कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो अकाउंटिंग की जो वैल्यू होती है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहा है आने वाला या उसको पेमेंट करनी पड़ रही है ऐसे इस केस के अंदर जेड पे कर रहा है तो वो फिर गुडविल कहलाता है। तो गुडविल 90,000 है। जब भी इस किस्म का सवाल आए तो सबसे पहला आप ये काम करें कि जो गुडविल है उसको पुराने वालों की पुराने जो पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके उनका शेयर निकाल लें कि उसका शेयर कितना है हमें, क्योंकि एक्स की एक्स का करना है तो हम एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स का रेशियो मैंने आपको बताया 2/3 है, तो अगर ये मैं 90,000 लिखूँ और इसका 2/3 में निकालूँ तो ये कोई बनेगा 60,000। जो 60,000 है ये गुडविल का शेयर है एक्स का पुरानी रेशो से। अब उसके बाद क्योंकि गुडविल ये बिजनेस के अंदर रिटेंड नहीं होती है, गुडविल खत्म हो जाती है, तो पहला स्टेप तो ये है कि आप गुडविल बांट दें। सेकंड स्टेप ये है कि जो न्यू रेशो है जो न्यू पार्टनरशिप की जो रेशो है वो 2:2:2:1:2 है, इसके अंदर एक्स का शेयर जो है वो 2/5 है। तो इसी 90,000 को आप दूसरा काम ये करें कि इस 90,000 का एक्स का शेयर जो है फिर निकालें नए वाले के हिसाब से, तो ये 2/5 है। 2/5 से अगर आप निकालें तो ये 36,000 बनता है। तो गुडविल का जो शेयर था वो इसको मिला 60,000 का, लेकिन गुडविल जो क्लोज होगी, क्लोज जब गुडविल होती है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं, इसका मकसद है एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ 60,000 से और क्लोज जब हुआ न्यू रेशो पे रेशो से तो वो 36,000 है। तो 60,000 माइनस 36,000 यू गेट 24,000 डॉलर। ये जो $24,000 है ये एक्चुअली एक्स को फ़ायदा हुआ है और वाई जो वाई है वो बेसिकली इसी की पेमेंट करेगा। ये 24,000 आपको बी के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वी कैन सेफली से कि जो बी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो राइट चॉइस है। देखिए इस किस्म के सवाल मैं आपको बताऊँ एग्जाम के अंदर बहुत रिपीट होते हैं, बार बार ये सवाल आता है, तो इसका आप याद रखें कि गुडविल सबसे पहले पुरानी रेशो से बांट लें, उसके बाद ये बांटने का मकसद है गुडविल मिल रही है।
पुराने वाले। उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ, जब जब गुडविल को क्लोज करना हो आपको, तो क्लोज करने का मकसद है अब इनका कैपिटल डेबिट होगा, उसको न्यू जो रेशो आपकी आ रही है पार्टनरशिप की उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट करें, और डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो एक्चुअली पेमेंट हो रही होगी या उसको फ़ायदा होगा, जैसे हमने इस केस के अंदर कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, डी ई एंड एफ आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1 के डी ई एफ जो है वो पार्टनरशिप का ये पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स ये शेयर करते हैं 2:1 की रेशो से। 2:1 का मकसद आपके समझ आ गया होगा क्या है, 2:1, तो 2:4 एंड फिफ्थ, 2:1, तो 2:5, 2:5 और 1:5, ये आप निकाल लिया करें आसानी रहती है थोड़ा सा। डी इज़ अलाउड एन एनुअल सैलरी $10,000 के, डी को सैलरी दी है $10,000 पर ईयर उसको मिलता है। ई हैज़ मेड अ लोन टू द पार्टनरशिप ऑन विच द पार्टनरशिप पेज इंटरेस्ट ऑफ $5,000 ईच ईयर के, जेड ने ई ने जो है वो एक लोन दिया है पार्टनरशिप को और उसके अगेंस्ट में उसके उसके बदले क्या मिलता है कि पार्टनरशिप उसको इंटरेस्ट पे करती है $5,000 ईच ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन वॉज $150,000, तो प्रॉफिट जो पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन से पहले जो इनकम स्टेटमेंट से आपने प्रॉफिट निकाला जो पार्टनर्स में बंटने जा रहा है वो $150,000 का है। बट वॉज एफ इज टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, एफ का टोटल शेयर जो है वो इस प्रॉफिट के अंदर कितना है। तो देखिए एफ का जो एफ की जो रेशो है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं कि एफ की रेशो एक्चुअली 1:5 है, ये नज़र आ रही होगी आपको क्योंकि इसका शेयर 1 है डी एंड एफ, तो 1:5 इसकी रेशो है ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये देखें कि जो पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनती है जो ई जो आप $5,000 जो इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इस 150,000 जो प्रॉफिट आया है इसके अंदर ये शामिल है। याद रखिएगा कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप को लोन देता है और उसके ऊपर पार्टनरशिप उसको इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लेकर जाते हैं क्योंकि ये बिज़नेस जो है वो उसका एक्सपेंस है, क्योंकि ये लोन हमने बिज़नेस के लिए लिया और बिज़नेस में ही हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मकसद है इस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इज़ एन बिज़नेस एक्सपेंस हमने बनाया, और बिज़नेस एक्सपेंस जब आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको लेकर गए होंगे तो इसका मकसद है 150,000 में ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, इसे माइनस करने के बाद 150,000 की फिगर आई है, इसलिए इसको तो आप काट दें कि इस सवाल से पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं जाता, ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है, इसको याद रख लीजिएगा मेरी बात, ये बार बार रिपीट होता है। अलबत्ता जो सैलरी है वो बिल्कुल करते हैं, तो 150,000 के पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, 150,000 का प्रॉफिट था, इसमें से $10,000 जो है जो आपने डी को सैलरी दी है वो माइनस कर दें तो यू गेट $140,000 आपके पास आता है। और ये पूछता है एफ का शेयर कितना होगा, तो एफ का शेयर आपको पता है 1/5 है, ज़रा 1/5 आप निकाल लें, तो 140,000 डिवाइडेड बाय 5th आप निकालते हैं यू गेट $28,000। जो $28,000 आया ये एक्चुअली एफ का शेयर है, एफ शेयर आपके पास कितना आ गया $28,000। इट्स वेरी सिंपल, असल में कॉम्प्लिकेशन ही इसलिए होते हैं सवाल, लाइक इसने आपको बैंक लोन का इंटरेस्ट दे दिया, बच्चे कंफ्यूज होंगे कहेंगे यार इसको भी शामिल करना है प्रॉफिट में से इसको माइनस करें, तो कंसेप्चुअली यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट कि जो लोन का इंटरेस्ट है वो एज एन एक्सपेंस है और इनकम स्टेटमेंट में जाता है वो नहीं आएगा, सैलरी आएगी जो उसको मिल रही है प्रॉफिट में से उसको माइनस करें और बाकी रेशो जो आपने समझी उससे करके आप एफ का शेयर निकाल लें। ये 28,000 बी के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो राइट च्वाइस है हमारी वो फिर बी च्वाइस है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आते हैं, एल एंड एम हैड बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, के एल एंड एम जो है वो पार्टनरशिप के अंदर हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। पी वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, पी जो है एज ए न्यू पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर आता है, एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इसके आने के बाद भी पार्टनर्स ने फैसला किया कि ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली ही बांटेंगे, तो दैट्स गुड। गुडविल वॉज वैल्यूड एट $48,000 के, गुडविल $48,000 की कैलकुलेट हुई।
बट द पार्टनर्स एग्रीड, लेकिन पार्टनर्स इस बात के ऊपर एग्रीड हो गए नो गुडविल अकाउंट वुड बी रिटेंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि कोई गुडविल अकाउंट जो है किताबों के अंदर रिटेंड नहीं करेंगे। तो जब किताबों के अंदर रिटेंड नहीं करेंगे तो लॉजिकली तौर पे अब जो पुराना, आपको पता है अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि जो नया आने वाला पार्टनर है एक्चुअली ये हिट वो बेयर करता है, क्योंकि पुराने वाले जो हैं उनको तो गुडविल मिल रही है तो उन्हें एडवांटेज है। ये जो लॉस या जो लॉस होता है वो आने वाले को होता है, लेकिन लॉस क्या, उसको पता है कि एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है तो बना बनाया बिजनेस उसको मिलता है, तो इसलिए वो इसकी पेमेंट भी कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी नज़र आता है कि ये एडवांटेजेबल है फ्यूचर के अंदर। तो सबसे पहला काम जो अभी हम कर आ रहे हैं कि 48,000 एल एंड एम ये दो पार्टनर थे पुराने, देखें अगर ये दो पार्टनर थे तो हम क्या करेंगे, 48,000 जो है, ये 48,000 इसको अगर इक्वली करते हैं तो 2 से डिवाइड करें तो इसका मकसद है 24,000, ये इनको प्रॉफिट हो रहा है एक सेंट वहां पे एल एल एंड एम को, तो एल एंड एम इन दोनों को कितना कितना मिल रहा है, 24,000 24,000 इनको प्रॉफिट हुआ, गुडविल का जो शेयर मिला वो मिला। अब आए जब ये तीनों हो जाएंगे तो इसका मकसद है, मैंने कहा था अब रेशो क्या होगी, पहले तो रेशो ये थी 1:1, क्योंकि दो लोग थे, लेकिन अब क्योंकि तीन हो गए तो अब क्या होगी, 1/3, 1/3 एंड 1/3, ये रेशो होगी। इसी 48,000 को फिर दोबारा आप निकाल लें कि एक्चुअली इनको इनको इनके जो कैपिटल, ये तो कैपिटल क्रेडिट होगा अभी आप समझ कर आ रहे हैं गुडविल की वजह से, पुराने वालों का कैपिटल क्रेडिट होगा, लेकिन अब जो न्यू रेशो है उसकी वजह से क्या होगा, इस गुडविल अकाउंट को जब डेबिट करेंगे तो इनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा और गुडविल क्रेडिट कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका जैसे ये कहता है कि गुडविल किताबों में होगी नहीं तो जो भी शेयर आएगा वो पी जो है वो इनको दे देगा। कितना कितना बनता है हम देखते हैं, 48,000 इसी रकम को निकालें और मल्टीप्लाइड बाय 1/3, क्योंकि न्यू रेशो ऑफ 1/3 बनती है, तो 1/3 अगर आप करें तो 48,000 डिवाइडेड बाय 1/3 करें तो 16,000 बनता है, 16,000 ईच एक्स एल एल एंड एम इन दोनों का, इसका मतलब है 24,000 से अगर कैपिटल इनका डेबिट क्रेडिट हुआ और 16,000 जो है वो इनको हिट पड़ी क्योंकि इनके कैपिटल डेबिट होंगे, गुडविल किताबों के अंदर है नहीं, तो नेट बेनिफिट कितना हुआ, 24 में से 16 को माइनस करें तो देखते हैं ये 8,000 डिफरेंस निकालें जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो 8,000 का एक्चुअली इनको फायदा हो रहा है और पी जो है वो इनको पेमेंट करेगा क्योंकि गुडविल किताबों के अंदर है नहीं, तो पी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, जितना वो लेकर आएगा पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि गुडविल किताबों के अंदर नहीं है, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को देखें जो डेबिट करता है एल कैपिटल अकाउंट तो 16,000 एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, एल और एम एम को जो है वो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इन्हें मिला ज़्यादा था, इनको इनका कैपिटल कम से डेबिट हुआ तो इनको नेट बेनिफिट 8,000 का है, तो इनके कैपिटल 8,000 से क्रेडिट होने चाहिए, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया, दूसरे में भी ये 16,000 की बात करता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये भी इनकरेक्ट हो गया देखें, और इसके अंदर कहता है डेबिट एल कैपिटल अकाउंट, अब डेबिट नहीं करना है, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि क्रेडिट होगा, तो डेबिट पी कैपिटल अकाउंट 16,000, क्रेडिट एल कैपिटल अकाउंट 8,000, क्रेडिट एम कैपिटल अकाउंट 8,000। अभी आपने देखा कि एल एंड एम को फायदा हुआ, कितने कितने का फायदा हुआ, एक्चुअली 8,000 का इनको बेनिफिट हुआ हमने कैलकुलेट किया, तो इनके कैपिटल अकाउंट 8,000 से $8,000 से क्रेडिट होने चाहिए, और क्योंकि गुडविल तो है नहीं तो इसका मकसद है पी ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसका कैपिटल फिर कम हो जाएगा जो ये लिख कर दे रहा है, तो हमने क्या करा डेबिट कर दिया पी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा 16,000 से, ये पी ने हिट बेयर करी है बिजनेस में आने आने की और गुडविल पे कर रहा है पुराने वालों को,
पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और एल का और एम का 88,000 से क्रेडिट। तो फिर डी चॉइस हमारी 13 के अंदर जो है वो राइट चॉइस बनती है। लॉजिक आपने समझी कि नया आने वाला जो होता है वो पुराने वालों को पे कर रहा होता है, उसको एक्चुअली ये हिट पड़ती है, उसका कैपिटल कम होता है और जो बेनिफिट होता है वो पुराने वालों को मिलता है, जैसे आपने इस सवाल में देखा। और इसका आसान तरीका मैं पहले भी बता के आ रहा हूँ कि पुरानी रेशो से पहले निकाल लें, वो इनको फ़ायदा होगा, और जो न्यू रेशो आ रही है उससे इनका अमाउंट कम होगा, बस ये करके बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो इनको फ़ायदा होगा और उसी से फिर एंट्री भी पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, विच आइटम डू नॉट अपियर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कौन से आइटम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर नहीं आते। तो देखिए डिविडेंड पेड तो आएगा क्योंकि रिटेंड अर्निंग में से माइनस करके हम दिखा रहे होंगे। डिविडेंड प्रोपोज मैं बता चुका हूँ कि डिविडेंड प्रोपोज कोई चीज़ नहीं होती, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कोई पास नहीं होती है। अकाउंटिंग एंट्री इसकी इसलिए पास नहीं होती है कि हम क्या करते हैं, प्रोपोज कर रहे हैं, अभी ये जाएगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको इसकी अप्रूवल देंगे, फिर AGM में जाएगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल होगी, देन फिर उसके बाद में जाके डिविडेंड वगैरह जो है बढ़ता है। तो जब ये अप्रूव हो जाता है और जब इसकी पेमेंट करने जा रहे होते हैं तो फिर उस वक्त एंट्री पास करते हैं। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसलिए ये नहीं आएगा। लोन इंटरेस्ट आपको पता है, जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है उसमें शेयर होल्डर्स से शेयर होल्डर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो अमाउंट है वो एक्चुअली जा रही होती है, लाइक शेयर कैपिटल हो गया आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिटेंड अर्निंग हो गई, रिजर्व्स हो गए, शेयर प्रीमियम, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो लोन जो है एक्चुअली वो नहीं जाता, नॉन करंट लाइबिलिटी भी नहीं जाती। तो इसका मकसद है कि टू एंड थर्ड, तो टू एंड थर्ड आप देख रहे होंगे कि ये अपियर नहीं होंगे, तो ये डी चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वी कैन सेफली से कि डी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, ऑन 1 जनवरी अ कंपनीज इक्विटी इंक्लूडेड 100,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट $1 ईच, के $1 का एक आपकी ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू थी और इसके जो टोटल शेयर थे वो 100,000 थे। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी देन डिड द फॉलोइंग, डायरेक्टर्स ने ये वाले काम करे, क्या करा, मेड ए राइट इशू ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर एट $1.25 ईच। द राइट इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, राइट इशू जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। राइट इशू क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको एक्चुअली कंपनी को भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मली जो मार्केट प्राइस चल रही होती है शेयर की उससे कम के ऊपर कंपनी ये शेयर देती है, और जब ये कंपनी शेयर देती है तो जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको भी एडवांटेज होता है और कंपनी के पास पैसा भी आ जाता है। तो 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 1.25 ईच, तो ये $1.25, तो 20,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ $1.25 से तो $25,000 का अमाउंट आपके पास कंपनी में आया। मेड ए बोनस इशू ऑफ 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, कंपनी ने 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे एज ए डिविडेंड। बोनस शेयर्स क्या होता है, नॉर्मली शेयर प्रीमियम अगर पड़ा होता है कंपनी वहाँ से यूज़ करती है। कंपनी जब डिविडेंड देना चाहती है और कैश की फॉर्म में डिविडेंड नहीं देती तो फिर शेयर्स की फॉर्म में देती है और उसे बोनस शेयर्स कहते हैं। तो इसमें पैसा नहीं आता कंपनी के पास, इसकी सिंपल एंट्री पास करते हैं रिटेंड अर्निंग को डेबिट, या शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। नॉर्मली रिजर्व्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं, तो अगर रिजर्व पड़ा हुआ है तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दिया आपने और बोनस शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को ही क्रेडिट करते हैं और फिर बोनस इशू का नाम देते हैं उसको। तो लेकिन फंड नहीं आता यहाँ पे, याद रखिएगा। तो इसका मकसद है लेकिन शेयर्स आपने इशू करे, तो कितने शेयर्स हो गए, 20,000 आपने राइट इशू किया था और 5,000 बहरहाल ये शेयर भी इशू किए, तो फिर इसका मकसद है 25,000 टोटल शेयर्स आप अभी तक इशू कर चुके हैं। पेड एन इंटरम डिविडेंड ऑफ $0.1 ईच ऑन ऑल द शेयर्स इन इशू एट दैट डेट के उस डेट के ऊपर जितने भी शेयर्स आपने इशू किए थे उस पर $0.1 के हिसाब से आपने डिविडेंड पे करा। तो आपने कितने शेयर्स इशू करे अभी तक, 25,000 आपने देखा कि 20,000 राइट इशू था और बोनस शेयर्स जो हैं वो 5,000 है, 25,000, और उसके बाद इसको $0.1 के हिसाब से आपने पे करा, तो 25,000 को मल्टीप्लाइड 0.1 अगर मैं करूँ, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर्स का मकसद है 100,000 आपके पास पहले से पड़े हुए थे,
कंपनी इक्विटी इंक्लूडेड 100,000, तो 25,000 ये हैं जो आपने निकाले। ये शेयर पड़े हुए थे आपके पास, 25,000 आपने टोटल ये इशू करे, राइट इशू 20,000 का और बोनस इशू जो है 5,000 का, 125,000 ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास हैं। हर शेयर के ऊपर वो कहता है $0.1 शेयर देगा, तो 125,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यू गेट 12,500 जो डिविडेंड आपने पे करा, 12,500 का आपने डिविडेंड पे किया। तो ये डिविडेंड आपने पे कर दिया $12,500 का। मांगता क्या है, बाय हाउ मच डिड द बैंक अकाउंट इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन, कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसके रिजल्ट में ये बताएं कि बैंक में कितना इजाफा हुआ, तो पेमेंट कितनी आई आपके, मतलब पैसा कितना आया आपके पास। तो पैसा देखें, आपने राइट इशू किया था, $25,000 आपके पास आए थे, बोनस इशू के अंदर तो मैंने बताया कि कोई पैसा ही नहीं आया, और डिविडेंड में पेमेंट करी आपने, तो 25,000 आपके पास आए थे राइट इशू से और $12,500 की आपने पेमेंट कर दी, तो एक्चुअली आपके पास $12,500 ये बैंक ये फिर आपके पास आया, क्योंकि राइट इशू से $25,000 आपके पास आए और डिविडेंड में $12,500 आपने पे कर दिए, तो एक्चुअली आपके पास बैंक में जो इजाफा हुआ वो $12,500 का हुआ, और ये ए चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है, तो 15 के अंदर जो ए चॉइस है फिर वो आपकी राइट चॉइस बनती है। 16 में आते हैं, द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जे लिमिटेड, के जे लिमिटेड की किताबों से ये इन्होंने एक्सट्रैक्ट करा है। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं $0.5 ईच के हिसाब से, यानी $0.5 ईच के हिसाब से 30 अप्रैल 2019 को 700,000 का आपका शेयर कैपिटल बनता था, और 30 अप्रैल 2018 में ये 500,000 था, तो 500,000 से 700,000 शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ। इसका मकसद है नेट इंक्रीज अगर आप देखें तो 200,000 की आपके पास इजाफा हुआ। 200,000 का मकसद ये है, $200,000 से डॉलर से इजाफा हुआ शेयर कैपिटल के अंदर, और याद रखें कि एक जो शेयर है ऑर्डिनरी शेयर वो 0.5 का है, तो अगर मैं इसको 0.5 से डिवाइड करूं मेरे पास कितनी अमाउंट आती है, 200,000 डिवाइडेड बाय 0.5 400,000, ये एक्चुअली मैंने शेयर इशू किए होंगे, ये 400,000 आप देख रहे हैं, ये मैंने शेयर इशू किए होंगे, इसलिए इशू किए गए होंगे कि 400,000 जब मैंने शेयर इशू किए, एक शेयर मेरा 0.5 का है, तो अगर 400,000 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा मेरे पास भाई, ये 200,000 आया जो आपको नजर आ रहा है। तो इसका मकसद है आपने 400,000 शेयर्स इशू किए 0.5 के हिसाब से, तो फिर 200,000 का आपका कैपिटल आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, और बाकी शेयर प्रीमियम है वो भी बढ़ा है 40,000 से। इसका मकसद है आपने प्रीमियम के ऊपर शेयर इशू किया, कि मार्केट में वैल्यू चल रही है ऑर्डिनरी शेयर जो 0.5 का है इससे ऊपर फिर आपने शेयर इशू किया। ये तो इन्फॉर्मेशन थी, हम देखते हैं पूछता क्या है, हाउ मेनी ऑर्डिनरी शेयर्स हैव बीन इशूड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019, ये बताएं शेयर कितने इशू करे, तो ये तो आप निकाल के आ रहे हैं 400,000, और ये सी चॉइस जो है उसके उसके अंदर देखें लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है 400,000, तो ये सी चॉइस जो है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वो फिर राइट चॉइस है, और लॉजिकली आपने समझा कि 200,000 का इजाफा हुआ था और $0.5 का ईच था, तो आपने डिवाइड किया उसे 0.5 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। आपने रिवर्स कैलकुलेशन करके भी देख लिया कि 400,000 शेयर्स को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वही $200,000 की इंक्रीज आपके पास आई, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, विच एक्शन विल इंक्रीज द कंपनी इज करंट रेशो, कौन सा एक्शन जो है कंपनी की करंट रेशो में इजाफा करेगा। करंट रेशो पहले समझ लें कि करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स इंक्रीज का मकसद है कि या तो करंट एसेट्स आपके बढ़ें या करंट लाइबिलिटी कम हो,
क्योंकि देखें ना, ये करंट एसेट्स करंट डिवाइड हो रही है करंट लाइबिलिटी से, तो या तो करंट एसेट्स में इजाफा हो या करंट लाइबिलिटी में कमी हो, इसी सूरत के अंदर जो है आपकी करंट रेशो बढ़ेगी। कहते हैं मेक एन इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स अभी आप पढ़कर आ रहे हैं कि बोनस शेयर्स जो है वो नॉर्मली रिजर्व में से आप इशू करते हैं और पैसा आपके पास आता नहीं है, तो इसका ताल्लुक करंट एसेट से भी नहीं है और करंट लाइबिलिटी से भी नहीं है, क्योंकि न फंड आ रहा है और रिजर्व आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये तो कट गया। मेकिंग राइट इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू जब आप करेंगे तो आपके पास बैंक, अभी आप पढ़कर आ रहे हैं कि 20,000 डॉलर ऊपर आपने पढ़ा, आपके पास आए 25,000 डॉलर, तो पैसा आपके पास आएगा। जब पैसा आएगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि आपका बैंक के अंदर इंक्रीज होगा, बैंक के में इजाफा होगा, तो फिर करंट एसेट्स बढ़ेगा, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो आपके करंट रेशो में इंक्रीज आएगा, इजाफा होगा। इंक्रीजिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ा दें तो फिर करंट एसेट्स कम हो जाएगा। देखिए ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ेगा तो ट्रेड रिसीवेबल कम होगा, तो ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा आपको कस्टमर से रिसीव करना है उसी में से आप एस्टिमेट करते हैं कि ये नहीं मिलेगा, तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप बढ़ा रहे हैं तो आप ये बात कह रहे हैं कि आपको एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा अमाउंट कस्टमर से नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, जब वो कम होगा तो फिर करंट रेशियो कम हो जाएगी आपकी, तो इसका मकसद ये भी इनकरेक्ट है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अगर आप डेप्रिसिएशन का रेट कम करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है एज एन एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और नॉन करंट एसेट्स आपके करंट एसेट्स नहीं है, तो करंट रेशो जो है उसका ताल्लुक करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसका मकसद है 17 की जो राइट चॉइस है वो फिर बी चॉइस बनती है, जिसके अंदर राइट इशू करके आपके पास फंड आएगा, फंड आएगा तो करंट एसेट्स बढ़ेंगे, करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो इसका मकसद है करंट रेशो भी आपकी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आते हैं, अ ट्रेडर विशेस टू सेट ए सेलिंग प्राइस, कि एक ट्रेडर जो है वो सेलिंग प्राइस अपनी सेट करना चाहता है, हाउ डज ही यूज अ मार्कअप, मार्कअप को वो कैसे इस्तेमाल करेगा। आप याद रखिएगा कि मार्कअप हमेशा कॉस्ट से रिलेट करता है और मार्जिन जो है ये हमेशा सेल्स से रिलेट करता है, तो मार्कअप का मकसद भी यही है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कि मार्कअप आपको इतना मिलना चाहिए। तो मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट एंड मार्जिन रिलेट्स टू सेल्स, याद रखिएगा, बाय एडिंग ए परसेंटेज टू द कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है कि जो भी कॉस्ट आएगी उस पर एक परसेंटेज जो भी आपको चाहिए वो आप ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मार्कअप है उसका ताल्लुक हमेशा किससे होता है, कॉस्ट से होता है। बाय एडिंग ए परसेंटेज टू द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है मैंने अभी आपको बताया ये मार्जिन होता है, मार्कअप नहीं होता। बाय डिडक्टिंग ए परसेंटेज फ्रॉम द कॉस्ट, मार्कअप हमेशा ऐड करते हैं, डिडक्ट नहीं करते हैं, इनकरेक्ट हो गया। बाय डिडक्टिंग ए परसेंटेज फ्रॉम द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का ताल्लुक मार्जिन से होता है, मार्कअप से होता ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी फिर वो ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, रेवेन्यू आपको दिए हुए हैं 800,000 के, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 175,000 डॉलर की, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 625,000 डॉलर, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है आपकी, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद है आपके प्रोडक्ट ऐसे ही बनाते हैं, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बेवरेजेस, आपने देखा होगा कोका कोला पेप्सी कोला के बहुत बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो जाते हैं और रिटेलर्स को माल दे रहे होते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। यूनिलीवर के ट्रक्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर्स को माल दे रहे होते हैं, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मकसद है कि ऑफिस में जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो सब जो अकाउंटिंग स्टाफ है, मार्केट अकाउंटिंग है और जो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें देख रहा है सारी की सारी, वो फिर क्या कहलाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये दोनों मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, याद रखिएगा। किसी भी कंपनी को ऑपरेशन को चलाने के लिए आपको कुछ करने पड़ेगा, खर्च करने पड़ते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, मार्केटिंग हो गए या डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो ये दोनों जो खर्चे हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गया। फाइनेंस कॉस्ट का मकसद है जो आपने कर्जा लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो फाइनेंस कॉस्ट कहलाती है, वो माइनस करके आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया। कहता है व्हाट वाज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो, ये बताएं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो क्या है। तो जब भी रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है 800,000 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो हैं, दोनों को प्लस कर लें, 95 मैं भी समझा के आ रहा हूँ, 95,000 प्लस 35,000, इन दोनों को प्लस करें ये आ जाएगा 130,000।
130,000 को आप डिवाइड कर दें रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है 800,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखें कितना आता है। 130,000 को 800,000 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई 100 से किया, यू गेट 16.25। ये 16.25% आपको नजर आ रहा होगा कि एज वाइज के अंदर दिया हुआ है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो आपकी राइट चॉइस बनती है वो फिर एज वाइज बनेगी 16.25%। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आते हैं, ऑन 1 जनवरी 2018 अ बिजनेस एक्सपेक्टेड टू हैव सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 ऑफ $450,000 के एक बिजनेस है, उसकी जो सेल्स जनवरी 1 जनवरी 2018 को वो एस्टिमेट कर रहा है कि जो सेल्स होगी 31 दिसंबर 2018 12 महीने के बाद वो $450,000 की होगी। इट्स नॉन करेंट एसेट्स एट द डेट वर $306,000, उस डेट पे इसके जो नॉन करेंट एसेट्स थे वो $306,000 थे। ऑन 1 जुलाई 2018 इट परचेज न्यू मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ $180,000 के 1 जुलाई 2018 को उसने एक मशीनरी खरीदी $180,000 की इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट सेल्स बाय एन एक्स्ट्रा $20,000 ईच मंथ के, और हर महीने उसे एक्सपेक्टेड है कि जो वो नॉन करेंट एसेट्स खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, इससे उसकी सेल्स हर महीने जो है $20,000 से बढ़ जाएगी। तो 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 6 मंथ्स बनते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हर महीने 20,000 यूनिट्स आपके बिकेंगे तो ये कितने हो गए 120,000। ये आपको फर्दर सेल्स जो है वो मिलेगी। और आपका पुराना वाला एस्टीमेट कितना था, जो पुराने वाले एसेट के ऊपर था, जब 306,000 आपके एसेट्स थे तो आपका एस्टीमेट था कि $450,000 की आपकी सेल्स होगी। अब आप कहते हैं $20,000 हर महीने सेल्स में इजाफा होगा, तो $450,000 पुराना आपका एस्टीमेट था, मजीद जो मशीनरी आपने खरीदी उससे आपने कहा कि $20,000 हर महीने सेल्स आपकी बढ़ेगी, तो सिक्स मंथ्स बनते हैं जुलाई से दिसंबर तक 120,000 ये और 450,000 ये, तो 570,000 ये आपकी टोटल सेल्स आ गई। ये आपने निकाल लिए टोटल सेल्स आपकी, और जो टोटल एसेट्स हैं नॉन करंट एसेट्स वो कितने हो गए, नॉन करंट एसेट्स जो थे 306,000 आपके थे, और आपकी 180,000 की आपने एक मशीनरी खरीदी, वन हंड्रेड एटी थाउजेंड ये 306,000, 180,000, 486,000। ये 486,000 क्या है आपके पास, ये नॉन करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट्स 486,000 के आ गए। कहते हैं व्हाट वाज द रेट ऑफ नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर इन 2018, नॉन करंट एसेट्स का टर्नओवर कितना था 2018 के अंदर। नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर का मकसद है कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे नॉन करंट एसेट्स की एफिशिएंसी क्या है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर वो अच्छा, ये रेशो जितना हाई होगा इतना अच्छा है, क्योंकि इसका मकसद है नॉन करंट एसेट्स जो हैं, जैसे आपने देखा समझने के लिए कि उसने एक मशीनरी खरीदी थी $180,000 की एंड ही इज एक्सपेक्टिंग के हर महीने $20,000 की सेल्स इस मशीनरी के आने की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी डेफिनेटली, ये नॉन करंट एसेट्स। और नॉर्मली देखें रिटेल बिजनेस अगर होता है तो वो इन्वेंट्री टर्नओवर पर फोकस करता है क्योंकि उसके पास नॉन करंट एसेट्स इतने नहीं होते, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाएं तो वो फिर क्या होता है, नॉन करंट मशीनरी इंसेंटिव, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि वहाँ नॉन करंट एसेट्स बहुत होते हैं, तो ये नॉन करंट एसेट्स आप लगाते ही इसी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपके सेल्स के एस्टीमेट्स अच्छे होते हैं, माल बिकेगा, तो नॉन करंट एसेट्स टू नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो जितना अच्छा होगा इतना बेहतर है। और ये एफिशिएंसी ऑफ नॉन करंट एसेट्स हम देख रहे होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स देखते हैं कि वो बेहतर है या नहीं है। इसका फार्मूला सिंपल याद रखिएगा, ये होता है नॉन करंट एसेट्स टू
नॉन करंट एसेट टर्नओवर का, नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला होता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। रेवेन्यू कितने हैं, रेवेन्यू देखें उसने सवाल में दिए हैं, बल्कि हमने निकाले हैं 570,000। 450,000 दिए थे लेकिन 120,000 का इजाफा है, तो 570,000। और टोटल नॉन करंट, ये रेवेन्यू है, और टोटल नॉन करंट एसेट्स भी हमने निकाल ली है, वो है 486,000। इसको इससे डिवाइड कर दें सिंपल, क्योंकि टाइम्स में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। 570,000 डिवाइडेड बाय 486,000, 2.17 आता है, 2.17 टाइम्स। यानी आपका जो तकरीबन, आप ये समझें कि नॉन करेंट एसेट्स जो हैं वो 486,000 के हैं, तो 2.17 के अगर आप $100 के एसेट्स बिजनेस में इंजेक्ट करते हैं तो वो $217,000 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आप डिपेंड करता है, हम इस पर कोई कमेंट्स इसलिए नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री की रेशो हमारे पास नहीं है, कि बाकी फर्म्स जो हैं उनका ये टर्नओवर रेशो क्या है। इसीलिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है, या इंडस्ट्री की रेशो दी हुई होती है। एनी हाउ ये रेशो निकली है 1. बल्कि ये 570,000 को आपने डिवाइड किया 486 से, 1.17, तो ये 1.17 टाइम्स अगर आप देखें तो ये ए के अंदर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो राइट चॉइस बनती है वो फिर ए चॉइस आपकी बनती है क्वेश्चन नंबर 20 में। और बड़ा सिंपल था कि आपने सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास उसने नॉन करंट एसेट्स दिए हुए थे, सेल्स का एक एस्टीमेट था, फिर उसने एक मशीनरी खरीदी 180,000 डॉलर की, और उससे उसको एक्सपेक्टेशन ये थी कि $20,000 की सेल्स हर महीने बढ़ेगी। तो पुरानी जो सेल्स दी हुई थी $450,000, उसके अंदर हमने 120,000 में 20,000 पर मंथ था, तो 6 मंथ्स होते हैं जुलाई से दिसंबर तक, 120,000 ऐड करके हमने 570,000 टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। और एसेट 306,000 के दिए हुए थे, 180,000 की मशीनरी आपने खरीदी, तो टोटल आपके एसेट्स 486,000 हो गए। नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर जो है वो आपको बताता है कि फिक्स एसेट्स की जो मैनेजमेंट है कैसी है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फार्मूला होता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स, तो रेवेन्यू 570,000 के थे और नॉन करंट एसेट्स टोटल 486,000 के थे, हमने डिवाइड किया तो 1.17 टाइम्स आपके पास आया जो ए चॉइस में दिया हुआ था। तो प्रेटी सिंपल, होप आपकी समझ में आया होगा। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।